शहादत, इस शब्द को सुनकर हर देशवासी का सर गर्व से उठ जाता है और साथ ही साथ आंखें भी नम हो जाती हैं। एक सैनिक अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है, उसके भी कुछ सपने होते होंगे, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती होंगी, लेकिन देश के लिए वो अपने हर सपने हर ख्वाहिश को दरकिनार कर देता है। ट्रेनिंग से लेकर ड्यूटी तक वो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में ही सोचता है। जब एक जवान ट्रेनिंग कर रहा होता है तब उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो देश की सुरक्षा करे। लेकिन जरा सोचिए कि एक अगर जवान सेना में नौकरी करने का सपना सपना ही रह जाए तो क्या उसके घर वालों को अपने बेटे को देश की सेवा करते देखने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। दरअसल उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आईटीबीपी के जवान राकेश प्रजापति ट्रेनिंग के दौरान नदी में डूबने से शहीद हो गए। इन दिनों गोविंद घाट में आईटीबीपी बीटीसी पंचकुला हरियाणा के 110 जवानों की नदी क्रॉसिंग ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के वक्त राकेश तैरते तैरते काफी आगे पहुंच गए, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए और मौके पर ही उन्होंने आखिरी सांस ले ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेनर कमांडो का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राकेश प्रजापति की शहादत की खबर सुनकर उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। उनके घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि राकेश उधम सिंह नगर के बग्गा गांव के रहने वाले थे और राकेश की उम्र अभी सिर्फ 25 साल ही थी। 25 साल ये भी कोई उम्र होती है दुनिया को छोड़कर जाने की। इस उम्र में तो लोग सपने देखना शुरू करते हैं, सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इतनी कम उम्र में राकेश प्रजापति का जाना उनके घर वालों को तो खलेगा ही, साथ ही साथ पूरे देश को भी उनकी कमी खलेगी। शिवालिक जनरल नमन करता है ऐसे वीर बहादुरों को। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।